नमस्कार दोस्तों मैं किरण ठाकुर आपका स्वागत करती हूं अपनी इस YouTube चैनल स्टडी स्किल सेंटर पर आज हम डिस्कस करेंगे तो जो 2021 में एच पी टेट आर्ट्स का एग्जाम हुआ था उसका साइकोलॉजी पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइकोलॉजी में वेस्ट बी डिस्क्राइब एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी बिहेवियर मेंटल प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश लो इज टू हियरिंग एज द ऑप्टिकल लो इज टू विजन जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टेम्परल नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस आर यूजली कंट्रोल बाय द इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ ऑविडेंस लर्निंग सुजेस्ट दैर मे दैट मैनी फूविया आर एक्वायर थ्रू डैश कंडीशनिंग इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदआाउट रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वी सोशल लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन रिस्पॉन्स में भी इसका जो सिक्स uh, क्वेश्चन है कंडीशन रिस्पॉन्स में वी इलेमिनेटेड वाई विथ ड्रॉइंग रेन्फोर्समेंट दिस इज नोन एज एक्सटिंक्शन इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंसी कैन बी डिफाइंड एज इसका जो राइट right आंसर है वो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी द एबिलिटी टू थिंक ऑब्सट्रेक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ दिस एरिया तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हरवन एविंगम डेल्व टेक्निक्स फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ डैश इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी मेमरी एंड फॉरगेट फॉरगेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टी इन टेकिंग प्रस्पेक्टिव ऑफ एन अदर परसन दिस इज नोन एज इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन वी ईगो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ एजुकेशन जो इसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी फिल नेक्स्ट है ही इज नोन एज हिस्ट्री हिस्ट रिसर्च ऑन इंटेलिजेंसी इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ऑब्जर्वेशनल मैथड टेक प्लेस अंडर तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी नेचुरल कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉगनेटिव साइकोलॉजी स्टडी मीन्स तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ डिज नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज स्टेज ऑफ वो है ऑप्शन सी सेंसरी मोटर स्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दाइको सोशल डी स्टाइल ऑफ बिहेवियर नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेशन टू हिज एंड हर इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए एजुकेशनल इन्वायरमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है right हु सॉरी वन हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेलुएशन ऑफ स्ट्रक्चरिज्म आंसर है वो है ऑप्शन सी विलियम नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्याजे मीन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टू हेल्प स्टूडेंट हाउ टू लर्न नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सडन अपीयरेंस ऑफ रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंक्शन इज नोन एज इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी जिसका है रिकवरी ठीक है स्वतः पुनः प्राप्ति नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेस्टाल साइकोलॉजी तो इसका जो राइट right आंसर है ये है ऑल ऑफ दीज उपयुक्त में से सभी नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ही इज कंसीडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इसका थोड़ा डाउट है अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें हमें भेजें नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड आस्किंग क्वेश्चन कैटेगराइज एंड कंसेप्ट फॉर थिंकिंग इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वी लॉजिकल रीजनिंग तार्किक विचार नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनी टाइप्स ऑफ लर्निंग के स्टार्ट लीड ग्रेटर एक्सरसाइज ऑन रूल ऑफ इसका जो राइट right आंसर है वो है पॉजिटिव बिहेवियर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन एक्सपेरिमेंटल मेथड वी स्टडी द तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑप्शन सी है रिलाईबिलिटी एंड वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रे एनफोर्समेंट इज तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी एन इनसेव एक प्रोलोफन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्याजे कॉल चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एस तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी ईगो सेंट्रिक स्पीच नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, well तो right है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोसेस एज वेल ऑर्गेनाइज सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ फैक्ट विच इज़ सपोर्टेड बाय द तो इसका जो राइट इस आंसर right है वो है ऑप्शन सी साइकोलॉजी लॉज एंड प्रिंसिपल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है और अकॉर्डिंग टू बाइक की कोकनेटिव डिवेलपमेंट डिपेंड ऑन तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सोशल इंट्रैक्शन धन्यवाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद